द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, जिसे रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है। इस किताब में आप 18 लाइफ चेंजिंग लॉज को समझेंगे जो ह्यूमन नेचर को समझने में आपकी मदद करेंगे कि लोग जैसा भी बिहेव करते हैं वो वैसा क्यों करते हैं और कैसे सतर्क रहते हैं। इससे हमें ये भी पता चलेगा कि कैसे बर्ताव किया जाए और क्या कदम उठाएं। दूसरे शब्दों में हम इसे बहुत ही प्रेरणादायक और आनंद से भरा हुआ पाएंगे। ये कहना भी सही होगा कि इस किताब की ये वीडियो सभी एज ग्रुप सभी लोगों के लिए है। रॉबर्ट ग्रीन 5 इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक्स के ऑथर हैं, द 48 लॉज ऑफ पावर, जिसकी उनके राइटिंग करियर में एक अहम भूमिका थी। ग्रीन को अपनी इस किताब की वजह से बहुत से विवादों का सामना करना पड़ा था। 48 लॉज ऑफ पावर की बेहतरीन वीडियो हम पहले ही अपने चैनल पर रिलीज कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके लाइव बुक वर्कशॉप्स के भी बेनिफिट ले सकते हैं। हमारा चैनल YouTube के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। तो चलिए फिर ह्यूमन नेचर के 18 लॉज को डिटेल में समझते हैं। द लॉ ऑफ इरेशनैलिटी। पहला लॉ फैसला लेने के हमारे इमोशनल अटैचमेंट को बताता है। दुनिया को तर्क के लेंस से देखने के बदले हमारा ध्यान खींचने वाली परेशानी की बेचैनी देखने के लिए हम भावनाओं की तरफ झुकते हैं। दुर्भाग्य से ये ऐसी चीजें हैं जो विरासत में नहीं मिलती हैं। माइंडसेट को ही ऐसा बनाया जा सकता है जिससे सबसे बेहतर असर पाया जा सकता है। आप इस बात से अनजान है कि आपकी भावनाएं आप पर कितनी गहराई से हावी होती हैं। तर्क में इसके असर को कम करने की क्षमता है। रिएक्ट करने के बजाय सोचने की जो असल में हो रहा है उसके लिए दिमाग को खोलने की, बिल्कुल उससे उल्टा जैसा आप महसूस करते हैं, ये नेचुरली नहीं आता है। ये वो पावर है जो हमें बढ़ानी पड़ती है। तर्क के रास्ते पर चलना शुरू करने के लिए 3 कदम हैं। स्टेप 1, रिकॉग्नाइज द बायसेस। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। कन्फर्मेशन बायस, कन्विक्शन बायस, अपीयरेंस बायस, ग्रुप बायस, ब्लेम बायस। स्टेप 2, बिवेयर ऑफ इन्फ्लेमिंग फैक्टर्स। बचपन के ट्रिगर पॉइंट्स, बचकानी जल्दबाजी और करेक्टर एक्शन से बाहर देखो। अचानक से आने वाले फायदे और नुकसान, निराशावाद और आशावाद के साथ इनका मुकाबला करें। हम लक के रोल को कम आंकते हैं। बढ़ता हुआ प्रेशर, लोग दबाव में आकर अलग तरह के काम करते हैं। उत्तेजित करने वाले लोग, जो लोग आप में बहुत ज्यादा भावनाओं को जगाते हैं, उनसे दूर रहें। ग्रुप का असर, बड़े ग्रुप से सावधान रहें और अपनी खुद के बारे में सोचने की शक्ति को दबा कर रखें। स्टेप 3, स्ट्रेटजीज टुवर्ड्स ब्रिंगिंग आउट द रैशनल सेल्फ। खुद को ठीक से समझें, अपनी भावनाओं की जड़ तक पहुंचें, जहां से वो शुरू हुई हैं, वहां तक झांक के देखें। अपना रिएक्शन टाइम बढ़ाएं, खुद को पीछे हटने के लिए तैयार करें। लोगों को वैसे समझें जैसे वो हैं, इमोशनल पॉइंट से बचें। सोचने और भावनाओं का संतुलन बनाएं, डाउट और क्यूरियोसिटी के बीच संतुलन बनाएं। तर्क से प्यार करें, खुद को ऐसे तैयार करने से शांति और क्लैरिटी मिलेगी। द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। ये तो मानना ही पड़ेगा कि हम सब सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, कम से कम कुछ हद तक। अपना प्लान बताते हुए लोगों की रुकावट को कम करने के लिए आप खुद की तारीफ करवाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों पर भी ध्यान रखें जो पहले हमला बोल देते हैं और आपको ड्रामे में खींचते हैं। ऐसे लोगों के छुपे हुए इरादों से सावधान रहें। हमें खुद के नेचर के लिए सच्चा होना चाहिए और उसे नकारना नहीं चाहिए। हम सब नार्सिसिस्ट हैं। हमें अपनी सहानुभूति खुद बनानी पड़ेगी। उसके लिए हमें 4 स्किल्स पढ़ाने पड़ेंगे। द एम्पैथेटिक एटीट्यूड। आप शुरुआत कर सकते हैं ये सोचकर कि आप कुछ नहीं जानते हैं। दूसरे लोगों के नजरिए को जानने के लिए उत्सुक रहना सीखें। विसरल एम्पैथी। मूड पर ध्यान दें, जो बॉडी लैंग्वेज और आवाज के टोन से छलकता है। लोगों की तरह बर्ताव करने से भी सहानुभूति मिल सकती है। एनालिटिक एम्पैथी। जिन लोगों को आप समझना चाह रहे हैं उनके शुरुआती दिनों के बारे में जानकारी जमा करें और उनके माँ बाप और भाई बहन से रिश्तों के बारे में जानें। दी एम्पैथेटिक स्किल। इस स्किल के लिए एक बात याद रखनी है, जितनी तेजी से आप लोगों से मिलेंगे उतना ही आप बेहतर होंगे, और जितने तरह के लोगों से आप मिलेंगे आपका स्किल उतना ही वर्सेटाइल बनेगा। द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। आपको ये बताने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं है कि लोग हर अवसर पर अलग नकाब पहनते हैं। हालांकि वो अक्सर अपने असली इरादों को अपने फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी पॉस्चर और नर्वस जेस्चर जैसी चीजों से दिखाते हैं। इन इनसिक्योरिटीज को पता लगाने के लिए आपको उनसे एक कदम आगे रहना पड़ेगा। उसी को कहते हैं द आर्ट ऑफ इंप्रेशन मैनेजमेंट। आत्मविश्वास बढ़ाएं, मुस्कुराएं और जिन लोगों से आप मिलते हैं उनकी तरह बनें। सीखें कि खुद को सही इमोशनल मूड में कैसे डालना है। खुद को लोगों के स्टाइल और टेस्ट के मुताबिक ढालें। अपनी फर्स्ट अपीयरेंस पर ज्यादा ध्यान दें। अपने दिखावे का पता चलने ना दें। खुद को प्रगतिशील, सहनशील और खुले दिमाग वाला दिखाएं। द लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर।
असल में लोगों के कैरेक्टर को समझना मुश्किल है। इसको अगर सही से समझेंगे तो लोग अपनी पूरी जिंदगी एक ही राग अलापते रहेंगे। आपको इसे अपने दिमाग में सहन करना पड़ेगा और ऐसे लोगों से लगाव बढ़ाना पड़ेगा जो ताकत और साहस दिखाते हैं। अपने नेगेटिव पैटर्न से सावधान रहने से आप बुरे लोगों से दूर रहेंगे। अगर आप इसका पालन करेंगे तो ये नियम आपको बेहतर बनाएगा। लोगों को जुड़ने और उनके साथ काम करने के लिए चुनते वक्त उनकी रेपुटेशन या जो इमेज वो दिखाते हैं उससे मोहित ना हो, बल्कि खुद को उनकी गहराई तक देखने के लिए ट्रेन करें और उनका करेक्टर देखें। उनकी मुसीबत से निपटने, लोगों के साथ काम करने, उनके पेशेंस और सीखने की क्षमता को समझें। मजबूत करेक्टर का एक आदमी सोने की तरह है, रेयर पर अमूल्य। वो खुद को अनुकूल बनाते हैं, सीखते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं। द लॉ ऑफ कोविटसनेस। ये अजीब है पर सच है। ये दिखाता है कि इंसान अपने हाथ से फिसलती हुई चीज को पाने के लिए क्यों झुकता है। आप इस मोमेंटम को अपने आसपास एक मिस्टीरियस ऑरा बनाने और उस पोजीशन का फायदा ले सकते हैं। ये एक रोल मॉडल बनने और इज्जत पाने का एक बेहतरीन तरीका है। लोग अनजानी चीज को जानना बेहद पसंद करते हैं और इन नियमों से खेलने से आपको फायदा मिल सकता है। हाजिरी और गैरहाजिरी का हम पर गहरा असर पड़ता है। बहुत ज्यादा हाजिर होना घुटन बनता है और थोड़ी गैरहाजिरी हमारी रुचि को बढ़ाता है। हम हमेशा उसे पाने की कोशिश करते हैं जो हमारे पास नहीं है। अपने आसपास थोड़ा रहस्य बनाएं, स्ट्रेटेजिक एब्सेंस का इस्तेमाल करें ताकि लोग आपकी वापसी चाहें और आप जैसा बनना चाहें। लोगों को दिखाएं कि वो जिंदगी में क्या मिस कर रहे हैं और उन्हें क्या करना मना है, और वो चाहत से दीवाने हो जाएंगे। द लॉ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग टर्म विजन बनाए रखना बहुत ज्यादा हो जाता है। वो रिसेंट ट्रेंड्स, ओपिनियन से आकर्षित होते हैं। ये लोग अपने नाक के आगे नहीं देख पाते हैं और अक्सर शॉर्ट साइटेड कैटेगरी में आते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहें और ऐसे लोगों के साथ रहें जिनके गोल्स लॉन्ग टर्म हैं। ये आपके स्वभाव में है कि आप सबसे ज्यादा अपने प्रेजेंट में सुनी और देखी हुई चीजों से प्रभावित होते हैं। लेटेस्ट खबरों, ट्रेंड्स, आसपास के लोगों के ओपिनियंस और एक्शन से, जो सबसे ज्यादा ड्रामेटिक होते हैं। लोगों के उनके नजरिए से परखना सीखें। ऐसे लोगों से बचें जो अपने एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस ना देख सकें। वो आपको इस एनर्जी से इन्फेक्ट कर देंगे। अपने लॉन्ग टर्म गोल से कभी नजर ना हटाएं। एक ऊंचे नजरिए से आप में हर ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने का पेशेंस और क्लैरिटी होगी। शॉर्ट साइटेडनेस के चार साइन और उससे बाहर निकलने की स्ट्रेटजीज। अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। हर ग्रुप या टीम में कम से कम एक आदमी को किसी भी स्ट्रेटजी के हर पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस को संभालने का इंचार्ज बनाएं। कोशिश करें किसी विवेकपूर्ण दिमाग वाले इंसान को। टेक्टिकल हेल्प। आप खुद को बहुत से स्ट्रगल्स या लड़ाइयों में उलझा पाएंगे। आपने अपने लॉन्ग टर्म विजन को खो दिया है, जिसके लिए आप असल में लड़ रहे हैं। उसकी जगह ये आपकी ईगो को बढ़ावा देने और खुद को सही साबित करने का सवाल बन गया है। एक ही सॉल्यूशन है, इन लड़ाइयों से निकल जाना, खास करके अगर ये अक्सर होती हैं। अपने काम से जीतो, ना कि अपनी बातों से। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में फिर से सोचना शुरू करें। अपनी जिंदगी में वैल्यूज और प्रायोरिटीज की एक सीडी बनाएं। खुद को ये याद दिलाते हुए कि आपके लिए असल में क्या मायने रखता है। टिकर टेप फीवर। जब हम किसी तरह की परेशानी या रुकावट का सामना करते हैं तो हमें चीजों को धीमा करने और कदम पीछे लाने की कोशिश करनी चाहिए। कदम बढ़ाने से पहले एक या दो दिन का इंतजार करें। और इन परेशानी का सामना करते वक्त हमें ये भी साफ तौर पर पता होना चाहिए कि हमारा लॉन्ग टर्म गोल क्या है और उन्हें कैसे पाना है। लॉस्ट इन ट्राइविया। आप अपने काम के मुश्किल होने से परेशान हो जाते हैं। आप सबसे ऊपर होना चाहते हैं ताकि आप चीजों को बेहतर तरीके से काबू कर सकें, पर आप जानकारी में डूब रहे हैं। आपको मेंटल फिल्टरिंग सिस्टम की जरूरत है जो प्रायोरिटीज और लॉन्ग टर्म गोल्स पर आधारित हो। आखिर में आपको क्या पाना है ये पता होना आपकी बेकार में से जरूरत की चीज निकालने में मदद करेगा। द लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस। ये कहने की जरूरत नहीं है कि वक्त के साथ लोग डिफेंसिव हो गए हैं और जब कोई बदलाव की बात करता है तो वो भड़क जाते हैं। अगर आप उनकी रुकावट को कम करना चाहते हैं तो आपको उन्हें उनके नजरिए को बदलने के लिए उकसाना होगा, बिना उनको नाराज किए। अगर आपको तेजी से अपने गोल को पाना है तो आपको क्रिएटिव बनना होगा। अपने अच्छे इरादों को समझाएं और उन्हें महसूस कराएं कि वो अपने ओपिनियंस और पैटर्न के काबू में हैं। जिंदगी मुश्किल और लोग कॉम्पिटिटिव हैं। हमें अपनी रुचियों का ध्यान रखना चाहिए। हम ये भी महसूस करना चाहते हैं कि हम आजाद हैं और अपना काम खुद करते हैं। इसलिए जब लोग हमें बदलना चाहते हैं तो हम डिफेंसिव और रेसिस्टेंट हो जाते हैं। इसलिए लोगों को उनकी डिफेंसिव पोजीशन को हटाने के लिए आपको ये दिखाना होगा कि वो जो कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं। लोगों पर उनकी मान्यताओं के लिए कभी हमला ना बोलें और उनकी समझदारी और अच्छाई के लिए उन्हें इनसिक्योर महसूस ना कराएं। अपने जिद्दी नेचर को काबू करना सीखें और अपने दिमाग को डिफेंसिव और क्लोज पोजीशन से फ्री करना होगा ताकि आपके क्रिएटिव पावर्स जागरूक हो सके। द लॉ ऑफ सेल्फ सबोटेज। जैसा आप महसूस करते हैं वैसे ही दिखते हैं। खुद को पूरी तरह नेगेटिविटी और डर तक सीमित करके जिन भी लोगों के साथ आप कुछ भी शेयर करते हैं वो आपकी आदत को भांप लेंगे।
ऐसा एटीट्यूड आपकी सफलता का मौका कम करेगा। सुनने में ये थोड़ा ज्ञान लगेगा, पर पॉजिटिव एटीट्यूड ही आपके और सफलता के बीच खड़ा है। ऐसे माइंडसेट को बढ़ाना ही आपका हर चीज में बेस्ट पाने में मदद कर सकता है, और वहां भी अवसर ढूंढ सकता है जहां लोगों को जाल दिखते हैं। हम सबका दुनिया को देखने, चीजों को समझने और आसपास के लोगों के एक्शंस को समझने का एक अलग नजरिया है। यह हमारा एटीट्यूड है, और इसी वजह से हमारी जिंदगी में हमारे साथ सब कुछ होता है। अगर हमारा एटीट्यूड डरने वाला है तो हम हर चीज में नेगेटिव ही देखते हैं। हम खुद को चांस लेने से रोकते हैं। हम गलतियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार बताते हैं और उनसे सीखते नहीं हैं। हम अपना करियर और रिलेशनशिप खराब कर देते हैं अनजाने में, ऐसे हालात बनाकर जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं। हालांकि इंसान का नेचर लचीला है। अपने एटीट्यूड को थोड़ा और पॉजिटिव, खुला और लोगों को झेलने वाला बनाकर हम अलग ही दुनिया में पहुंच सकते हैं। हम नए अवसर बना सकते हैं और लोगों को अपने तक आकर्षित कर सकते हैं। द लॉ ऑफ रिप्रेशन। लोग वैसे नहीं है जैसा वो दिखाते हैं। अपने दिल के अंधेरे को छुपाने की कोशिश करना उनके स्वभाव में है। ओवरऑल इग्नोरेंस को समझने से पहले किसी को भी पहले अपनी डार्क साइड को देख लेना चाहिए। अपनी इस पेचीदा साइड को समझ लेने से आप एक पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां आप एक ऑब्जर्वर बन सकते हैं। इस एक्शन का लोगों को आप तक लाने में बहुत बड़ा रोल है। ये डार्क साइड आपके बर्ताव में छलकती है और आपको नुकसान पहुंचाती है। परछाई के इशारों को समझना सीखे इससे पहले कि वो जहरीली बन जाए। डार्क साइड को पूरी तरह से समझकर आप पूरे इंसान बनेंगे। द लॉ ऑफ एनवी। आज का समाज पोजीशन, स्टेटस और अचीवमेंट के लिए स्ट्रगल करने का साथ देता है। हालांकि ये जिद्दीपन को बढ़ाता है और जलन का कारण बन सकता है। कुछ लोग सिर्फ दूसरों की सफलता की नकल करने की उम्मीद करते हैं। खुद की दूसरों से तुलना सिर्फ आपकी ही वैल्यू को कम करती है और समाज में आपकी पोजीशन को खतरे में डालती है। याद रहे, एक्शंस वर्ड से ज्यादा तेज बोलते हैं। हम इंसान दूसरों से खुद की तुलना जरूर करते हैं। हम लगातार लोगों के स्टेटस को नापते हैं, जितनी इज्जत और ध्यान उनको मिलता है, और ये नोटिस करते हैं कि हमारे पास जो है और जो उनके पास है उसमें क्या फर्क है। हम में से कुछ के लिए ये अपने काम के जरिए बेहतर बनने का इशारा होता है, बाकियों के लिए ये गहरी जलन का कारण बन सकता है, और ये भावनाएं बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। खुद से ध्यान हटाकर जलन को खत्म करना सीखें, अपनी वर्थ को बढ़ाएं, ना कि तुलना करें। द लॉ ऑफ ग्रैंडियोसिटी। हर तरह के इंसानों में बहुत सी चीजों के बारे में सोचने की आदत होती है। इसमें हमारी सफलता का लालच भी आता है जो ऊंचे सामाजिक स्टेटस से जुड़ा हुआ है। अक्सर ये ख्याल बहुत बड़ा आकार ले लेता है जो असली सच्चाई से बहुत दूर होता है। हम सुपीरियर बनने की कोशिश में असलियत को खो देते हैं, जिसकी वजह से हम बिना तर्क के फैसले लेते हैं और सिर्फ कल्पना तक सीमित रहते हैं। सफलता के लिए आपका एटीट्यूड, आपका योगदान और दूसरे लोगों की जिंदगी में आप जो वैल्यू लाते हैं उसका अनुरूप होना चाहिए। अक्सर हमारी छोटी सी सफलता हमारी बड़ी होने की सोच को खतरनाक लेवल तक बढ़ा देती है। हम लक का रोल और दूसरे लोगों का योगदान भूल गए हैं। सच्चाई से दूर होकर हम बिना तर्क के फैसले करते हैं, इसलिए हमारी सफलता अक्सर बनी नहीं रहती है। हमें खुद में से ये दूसरों से बड़ा होने की सोच को कम करना होगा और हमारी सीमाओं के अंदर की असलियत को बनाए रखना होगा। महान होने की भावना को अपने काम, अचीवमेंट्स और सोसाइटी के योगदान से जोड़कर रखें। द लॉ ऑफ जेंडर रिजिडिटी। सच में औरत और आदमियों को जादुई छड़ी घुमाकर काबू करना जितना आसान नहीं है। आपको खुद पर काम करना होगा और ये समझना होगा कि ये आपकी सोच पर कैसा असर डालता है और आपको दिन प्रतिदिन की मुठभेड़ में मजबूत और अनुमानित बनाता है। औरत और आदमियों की इस एनर्जी के निशानों को मिटाकर आप दुनिया के सामने अपना ऑथेंटिक वर्जन रखते हैं। आसान शब्दों में, जेंडर रोल प्ले करने के लालच से बचकर आप सफलता तक जल्दी पहुंच सकते हैं। हम सब में औरत और आदमियों की खासियतें होती हैं। कुछ जेनेटिक होती हैं और कुछ दूसरे जेंडर के पेरेंट्स से आती हैं। हम इन खासियतों को बदलते रहते हैं औरत और आदमियों के रोल को पहचानकर जो हमसे उम्मीद की जाती है, और हम इसकी बड़ी कीमत चुकाते हैं। हम अपने करेक्टर को खो देते हैं। आपको इन खोई हुई खासियतों का पता होना चाहिए और उनसे फिर से जुड़ना चाहिए ताकि क्रिएटिव पावर बन सके। द लॉ ऑफ एमलेसनेस। इस डिजिटल एज में कभी कभी लोगों को अस्थायी निराशाओं और असफलताओं से निपटने के लिए खुद से आगे बढ़ना पड़ता है। लगातार हार मिलना दिशा भटक जाने का ही कारण होता है। शॉर्ट टर्म माइंडसेट से हम डर का सामना करते हैं जो लॉन्ग टर्म में हमें परेशान कर सकता है। इसलिए बिना लक्ष्य का खेल बहुत खतरनाक हो सकता है। भविष्य का नजरिया और उसकी कल्पना इस बिना मकसद के सेंस से लड़ने का सबसे बेस्ट तरीका है। हम इंसानों को अपने कॉन्शियस डिसीजन पर डिपेंड रहना पड़ता है। जब जिंदगी में करियर पाथ और अपनी असफलताओं को हैंडल करने की बात आती है तो हम जो भी बेस्ट कर सकते हैं वो करते हैं, पर हमारे दिमाग में हम दिशा की कमी होने का एहसास महसूस कर सकते हैं। इसे बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि सेंस ऑफ पर्पस को बढ़ाना और इस जानकारी को दिशा देने के लिए इस्तेमाल करना। यहाँ तक कि हमारे डाउट और फेलियर्स का भी एक पर्पस होता है, हमें मजबूत करना।
इस एनर्जी और डायरेक्शन के साथ हमारे एक्शन को कमाल का फोर्स मिलता है। द लॉ ऑफ कन्फॉर्मिटी, लोग खुद का कॉन्फिडेंट और सेल्फ सफिशिएंट होने का इंप्रेशन देना चाहते हैं, बुराई के डर से भीड़ की निकल करते हैं। इस ग्रुप माइंडसेट से हम जितना दूर रहना चाहते हैं उतना ही हमारी जिंदगी में वापसी का कोई पॉइंट नहीं बचता। ऐसा करने में हम अपनी यूनिकनेस खो देते हैं और बुरा महसूस करते हैं। हमारे करेक्टर की एक साइड होती है जिससे हम अनजान होते हैं, वो इंसान जो हम लोगों के ग्रुप्स के बीच बन जाते हैं। इस ग्रुप सेटिंग में हम अनजाने में लोग जो भी करते या कहते हैं उनकी नकल करने लगते हैं। हम अलग सोचते और अलग भावनाओं को महसूस करते हैं। हम ज्यादा रिस्क लेते हैं क्योंकि सभी ऐसा कर रहे हैं। हमारी सोशल पर्सनैलिटी हम जो है उसे डोमिनेट करती है। दूसरों को इतना सुनने से हम धीरे धीरे अपने अलगपन और खुद के बारे में सोचने की क्षमता खोने लगते हैं। इसका हल है कि सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाएं। इस समझ के साथ हम बेहतरीन सोशल एक्टर्स बन सकते हैं जो दूसरों के साथ फिट और कॉपरेट कर सकते हैं, साथ ही अपनी आजादी और तर्क को बनाए रख सकते हैं। द लॉ ऑफ फिकलनेस, जब आप एक लीडर का रोल प्ले करें तो टफ ट्रीटमेंट के लिए खुद को तैयार रखें। हर एक गलती जो आप करेंगे वो दूसरे किसी के लिए एक मौका होगा आगे बढ़कर आपका ताज छीन लेने का। इसका हल ये है कि जमीन से जुड़े रहें और इन हमलों का सामना करें। इस प्रोसेस में आपकी अथॉरिटी पर सवाल किए जाएंगे और आपका स्टेटस इंक्वायरी का सब्जेक्ट बन जाएगा। इस बड़ी ताकत को संभालने वाले को लोगों की मदद करनी चाहिए खुद को एक सही लीडर दिखाने के लिए। अनुभवी लीडर इस कला की प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि वो इसके साइड इफेक्ट जानते हैं। हालांकि लीडरशिप का स्टाइल वक्त के साथ बदल गया है। एक चीज सेम है, सत्ता में रहने वालों के लिए लोग हमेशा महत्वाकांक्षी रहते हैं। वो लीड करना चाहते हैं पर आजाद भी महसूस करना चाहते हैं। बिना बलिदान दिए वो सुरक्षित रहना और सफलता का मजा लेना चाहते हैं। जब आप एक ग्रुप के लीडर होते हैं तो लोग आपको लगातार उस पल उकसाते हैं जब आप कमजोर महसूस कर रहे होते हैं। ये ना सोचे कि उनकी वफादारी पाने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है, क्योंकि इसका मतलब है उनके बराबर या उनका दोस्त होना। लोग आपकी क्षमता पर शक करेंगे। अपने इरादों के लिए रहस्यमयी बने और छुपी हुई निंदा से जवाब दें। अगर आपको लीड करना है तो इस कला की महारत हासिल करें। एक बार आपने लोगों का भरोसा पा लिया तो वो आपके साथ खड़े रहेंगे चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हों। द लॉ ऑफ अग्रेशन, दुनिया को आपकी एनर्जी की जरूरत है। लोग हर मुमकिन कोशिश करते हैं आपको बेहतर बनाने की। वो अलग अलग लोगों को आगे बढ़ाने और उन पर अपने बड़े होने का दावा करके अपनी लालसाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ग्रुप के साथ डील करने के लिए एक्सपर्टाइज होने की जरूरत होती है। अगर आप इन एग्रेसिव मूव्स के ऑब्जर्वर बन रहे हैं तो आप तब भी खड़े रह पाएंगे जब चीजें आपके हाथ से निकलने लगती हैं। एग्रेसिव एनर्जी बुरी नहीं है, अगर आप इसे काबू कर सकते हैं तो। टेम्परेरी असफलताओं के बावजूद ये आपको बांधे और डिटरमिन रखती है। आपके आसपास के लोग ऊपर से बहुत ही सभ्य और सुशील लगते हैं पर इस नकाब के नीचे वो बेहद चिड़चिड़ाहट का सामना कर रहे हैं। आपको लोगों की अनसेटिस्फाइड एग्रेसिव डिजायर्स को ऑब्जर्व करना चाहिए। वो आपको इमोशनल, एंग्री और सोचने ना देने पर डिपेंड करते हैं। उनको ये ताकत ना दे। जब बात आपकी एग्रेसिव एनर्जी की आए तो आप इसे काबू करना और प्रोडक्टिव पर्पस के लिए इस्तेमाल करना सीखें। खुद के लिए खड़ा होना, परेशानियों पर हमला बोलना और बड़ी एम्बिशंस को पहचानना सीखना होगा। द लॉ ऑफ जनरेशनल मायोपिया, जनरेशन गैप कोई झूठ नहीं है क्योंकि हर न्यू जनरेशन अपनी अलग वैल्यूज और एजेंडा बनाती है। वो अपने मेंबर्स का बर्ताव बनाती है और उसे दुनिया पर एक ताकतवर प्रभाव देने के लिए लगाती है। दिक्कत यह है कि फिर से ये हम अपनी सहजता की कीमत पर कर रहे हैं। हम क्रिएटिविटी के मामले में खुद को रोक रहे हैं बिना इन कॉन्सेप्ट पर डाउट किए। आप जिस जनरेशन में पैदा हुए हैं वो आपकी कल्पना से ज्यादा बताती है कि आप क्या हैं। आपकी जनरेशन खुद को पिछली जनरेशन से अलग करना चाहती है और दुनिया के लिए नई धुन बनाना चाहती है। आपका काम है ये समझना कि आप कौन हैं और आप दुनिया को कैसे देखते हैं। आप वो बन सकते हैं जो नए ट्रेंड सेट करेगा जिसकी आपकी जनरेशन को भूख है। द लॉ ऑफ डेथ डिनायल, मौत हम सब पर हंसती है। इसके होने की अनप्रिडिक्टेबिलिटी का पता होना सच में दमदार टूल है जिसे आप पा सकते हैं। ये आपके एक सेंस ऑफ अर्जेंसी बनाने में मदद करता है जिससे आपके डेली के कामों को फ्यूल मिलता है। अपने दिमाग को इसी तरह से सोचने के लिए ट्रेन करना भी रिजल्ट जल्दी पाने का एक बेहतरीन तरीका है। हम में से ज्यादातर लोग मौत के ख्याल को अनदेखा करके जिंदगी जीते हैं, बल्कि इसका ख्याल हमेशा हमारे दिमाग में होना चाहिए। जिंदगी की कमी का एहसास हमारी सेंस ऑफ पर्पस से भर देता है और गोल्स की अर्जेंसी का एहसास कराता है। इससे हमारी सेंस ऑफ प्रोपोर्शन भी मिलती है कि इस छोटी जिंदगी में क्या असल में मायने रखता है। बहुत से लोग लगातार खुद को दूसरों से अलग करने की कोशिश करते हैं, बल्कि हम सबको एक जैसा समझकर देखना चाहिए कैसे ये हम सबको बराबर करके जोड़ती है। तो दोस्तों, छोटी सोच से लड़ें। जब कोई चीज गहराई तक आपके दिल में बसी हो तो अपना माइंडसेट शिफ्ट करना आसान नहीं होता है। जो लोगों ने आपको सिखाया है उसके बावजूद पुश करने और प्रभावित करने वाले लोगों को उंगलियों पर गिना जा सकता है। आपको अपनी राय रखने से पहले दूसरों की राय की इज्जत करनी चाहिए।
ऐसा ना दिखाएं कि आप सब जानते हैं। हालांकि हम खुद को बेकार के टिप्स मानने से रोकते हैं, पर ये पूरी तरह से मेरिट पर आधारित होती है। आप अपनी बेरिंग को जाने बिना अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच सकते हैं, ये एक सीधा सा प्रोसेस है जो आपको विश्वास के साथ आगे बढ़ने और अनुमानित खतरों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप आप इन सभी लॉज को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके लाइफ में और भी ज्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें।